खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हम सब खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए पाकरों के शुक्रगुजार हैं कि खुदा जो हमारे साथ वफादार है, हर रोज़ हमें संभालता है, हमारी निगाहबानी करता है और हमें ये मौके देता है कि हम उसकी बारगाह के अंदर हाजिर होकर उसकी इबादत, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। इसके बाद मैं खुदा के खादिम अपने बड़े भाई बिशप तारिक जॉन साहब का, पूरी चर्च कमेटी का, जोशवा टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खुदा के कलाम की खिदमत के लिए मुझे यहाँ पर दावत दी। कलाम शेयर करने से पहले मैं एक अपनी पर्सनल गवाही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। खुदा के खादिम ने बताया कि मेरी परवरिश और मेरा जन्म जो है वो एक ईमानदार घराने में हुआ। मेरे वालिद जो हैं वो खिदमत में रहे और तकरीबन 45 साल उन्होंने खुदा की खिदमत की, लेकिन मैं खिदमत में आने से पहले पुलिस में था, बतौर सब इंस्पेक्टर में रहा। बचपन से चुना मैं खिदमत के लिए गया, लेकिन यूना की तरह मैंने बड़ी दौड़ दौड़ी कि किसी तरीके इस काम से बच सकूं। लेकिन याद रखें, मैं, आप, हम सब बहुत कीमती लोग हैं, क्योंकि मेरा, आपका, हम सब का कफारा यीशु मसीह ने दिया है। वो हमें फिर वापस अपने पास बुला लेता है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझ पर ये करम किया कि हम, मैं दोबारा खुदा की खिदमत की तरफ आ सकूं। सो खुदावंद के कलाम में से यसाया नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब, यसाया नबी का सहीफा उसका 8वां बाब और 22वीं आयत, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, उसके नाम को जलाल मिले, सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, ये जो आयत हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी और सुनी, कई मर्तबा हमने खुदा के मुख्तलिफ खुदाम से इसके ऊपर खुदा के कलाम को सुना है, स्पेशली जब हीलिंग के हवाले से इबादत की जाती हैं। लेकिन मेन चीज़ जो तीन सवाल हैं कि क्या जल्लाद में रोगने बिलसान नहीं, क्या वहां कोई तबीब नहीं, और सबसे मेन कि मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती, क्या वजह है? थोड़ा सा मैं बयान करता जाऊं कि जल्लाद जो है ये दरियाए यर्दन के मशरिक में वाकया एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारी टीचिंग्स के लिए यूनिवर्सिटीज और स्कूल ये कायम थे और लोग वहां पर जाया करते अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और वहां पर तिब का काम बहुत आम था। और रोगने बलसान के हवाले से जो हिस्ट्री हमें मिलती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, जब उसको अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से के अंदर, जब वो आखिरी आयाम में था, एक ऐसा जख्म हुआ जो किसी भी दवाई के साथ हील नहीं हो रहा था, तो बलसान का जो रोगन है वो उसके उस जख्म पर मला गया, तो ये हिस्ट्री बताती है कि वो उस जख्म से शिफा पा गया। लेकिन आज की शाम मैं आप सबों की तवज्जो एक ऐसे बलसान के रोगन की तरफ जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जो मेरे और आपके मसीह का खून है, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। क्या वहां कोई तबीब नहीं? सवाल है, मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? अक्सर खुदा के खुदाम जब दुआ करते हैं
मैंने बिशप साहब को भी अक्सर देखा, वो जब भी मोर्चे के बाद टेस्टमनी या शुक्रगुजारी के लिए कोई आता है वो एक बात कहते हैं कि ये मेरी दुआ है कि ये मोजज़ा कायम रहे। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि उन्होंने तो दुआ दे दी और खुदा अपने खादम के लफ्जों की लाज भी रखता है, लेकिन मेरा करैक्टर कैसा है, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? आज की शाम हमें यह देखने की जरूरत है, तीन खास बातें कि हम लोग शिफा क्यों नहीं पा रहे। पहली वजह, मरकुस की अंजीर उसका सातवां बाब उसकी छठी आयत के अंदर लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन दिल मुझसे दूर हैं। पहली वजह कि हम लोग वर्शिप ज़रूर करते हैं, दुआ ज़रूर करते हैं, दुआ के लिए जाते भी ज़रूर हैं, लेकिन दिल हमारे खुदा से दूर हैं। जिस वजह से आज कौम शिफा नहीं पा रही है, खुदा का वादा है हम सबों को शिफा देने का। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ें, जबूर 107 उसकी 20वीं आयत के अंदर तो लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। ये खुदा का वादा है, सबसे बेहतरीन मेडिसन खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस। लेकिन बात ये है कि खुदा ने हम पर छोड़ दिया है कि ये जुबान से, होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। दूसरी वजह, रोमियो का खत जो पौलुस रसूल ने रोम की कलीसिया के नाम लिखा, उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और प्रस्तिश ना की बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मुझे एक सवाल मैं पूछता हूँ सारी जमात से, मुझे ये बताएं कि कितने लोग बीमार रहना चाहते हैं? कोई भी नहीं। और कितने लोग खुदा के साथ रहना चाहते हैं? सारों की ख्वाहिश है। ये कलाम में एक जगह शेयर कर रहा था, मैं कहीं याद रखें, हम चाहते हैं कंफर्ट जोन अपनी जिंदगी के अंदर, कि हम किसी बीमारी से ना गुजरें, किसी तकलीफ से ना गुजरें, किसी परेशानी से ना गुजरें, कंफर्ट जोन में हमारी लाइफ हो। लेकिन अगर आप खुदा का तजर्बा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप सदरक मीसक अबदनजू की तरह आग की भट्टी के अंदर जाएं, आप उस टाइम पीरियड से गुजरें, आपको खुदा का तजर्बा हो, उसकी मोहब्बत का तजर्बा हो कि वो किस कदर आपसे मोहब्बत करता है। हमने खुदा को जान तो लिया है, हम जानते हैं कि जितनी मर्तबा भी दुआ करेंगे वो शिफा जरूर दे देगा, लेकिन याद रखें हम उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और प्रस्तिश नहीं करते हैं। हमने खुदा को एक जरूरत के तहत एक चीज रखा हुआ है, बीमार हैं सानू खुदा याद आ जाता है। वो एक शख्स था दरिया में गिर गया, समुंदर में, जब गिरा तो उसने कहा खुदाया तू मैनू बचा ला, जे तू मैनू बचा लिया तो मैं देख दांगा। पानी की छाल आई, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया, वो बाहर निकला, निकल कर कपड़े शपड़े उसने नचोड़ने शुरू कर दिए, तो कहंदा खुदामंद केड़ी देख। पानी की छाल फिर आई, वो फिर उस पानी के अंदर वापस चला गया, कहता मैं तो पूछ रहा था कि मीठी या नमकीन। हमें खुदा सिर्फ मुसीबतों में याद आता है, खुदा सिर्फ बीमारियों में याद आता है, खुदा सिर्फ परेशानियों में याद आता है,
याद रखिए मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, बेटों, अजीजों, इस बात को याद रखें कि आज अगर कौम शिफा नहीं पाती, वो रूहानी शिफा है या जिस्मानी शिफा, उसकी मेन वजह ये है कि हम खुदा की खुदाई के लायक उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुति नहीं करते हैं। तीसरी वजह, इंडिया के एक बहुत बड़ा लीडर है जो इस दुनिया से चला गया, करमचंद मोहनदास गांधी, उसकी एक सेइंग है, वो कहता है कि आई लाइक योर क्राइस्ट बट आई डू नॉट लाइक योर क्रिश्चियंस बिकॉज योर क्रिश्चियंस आर नॉट लाइक योर क्राइस्ट। हम जैसे कोई जज्बाती मसीही था, उसने कहा क्यों, ये क्या वजह है, क्यों इसने ये बात की है? तो किसी ने उसको सलीस करके बता दिया कि उन्हें ऐ किया थे नू। वो कहता कि मैं तुम्हारे मसीह को पसंद करता हूं लेकिन तुम्हारे मसीहों को पसंद नहीं करता। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे मसीही मसीह की मानिंद नहीं है। याद रखिए, यीशु के पास जितने दफा भी लोग शिफा के लिए आए, यीशु ने एक सवाल किया, क्या तू ईमान रखता है? अगर हम ईमानदार हैं, हम दुआ करवाने के लिए चर्चेज में आते हैं, खादमों के पास, पहली तो ख्वाहिश ये है, जदों तक पादरी साहब ने सिर ते हाथ रख के दुआ नहीं करनी, मैं शिफा नहीं पानी। खुदा के खादम को खुदा ने इख्तियार दिया है, अगर वो दूर से भी कहता है तो खुदा उसके उस लफ्ज को सुनता है। लेकिन हमारी मेंटेलिटी क्या है कि जदों तक हाथ नहीं रखाना शिफा नहीं है। प्रॉब्लम ईमान के अंदर है। पहली वजह हमने देखी कि हम क्यों शिफा नहीं पा रहे, कौम क्यों शिफा नहीं पा रही, कि हमारे होंठ तो खुदा की ताजीम करते हैं लेकिन दिल खुदा से दूर है। दूसरी वजह कि हमने खुदा को जान तो लिया है लेकिन खुदा की खुदाई के लायक उसकी प्रस्तिश, उसकी तमजीद नहीं करते। और तीसरी बात कि हम मसीह की मानिंद नहीं बनते, हमारा ईमान वैसा नहीं है। मरकुस की अंजील के अंदर लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया, मिल जाएगा, बात की बात है। पहली चीज क्या है, तुमको मिल गया। खादम दुआ करते हैं, मैसेज देते हैं, कहते नहीं अजय थोड़ी जी ना पादरी साहब कसर है। अरे नहीं, ना दुआ के अंदर प्रॉब्लम है, ना खादम के मांगने में प्रॉब्लम है, मांगने ईमान रखने में प्रॉब्लम है। मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती है? उसकी वजह यह है कि हम खुदा की प्रस्तुति उस तरह नहीं कर रहे हैं। गैर कौम के शख्स है एक जिसके अंदर बड़ा ईमान है वो सूबेदार। मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब पढ़ें, 5वीं आयत से 13वीं आयत के दरमियान आपको ये सारा वाक्या मिलता है। सूबेदार है, रोमी है, लेकिन उसका ईमान है। वो कहता खुदावंद अगर तू कह दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। मैं जब इस वाक्य को पढ़ रहा था मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगी। उसने कहा कि मैं सूबेदार हूं, लीडर हूं, मैं मेरे इख्तियार में बहुत से नौकर हैं, मैं कहता हूं जा तो वो जाते हैं, मैं कहता हूं आ तो वो आते हैं, इतनी मेरी अथॉरिटी है। लेकिन मेरा नौकर बीमार है, उसकी शिफा के लिए मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। याद रखिए दुनिया के अंदर शिफा की अथॉरिटी किसी के पास नहीं मांसवाय यीशु मसीह के, सिर्फ एक शाफी है जो शिफा देने की कुदरत रखता है।
लेकिन हम अगर शिफा नहीं पा रहे तो उसकी वजह क्या है? आज की शाम उस वजह को तलाश करें अपने अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने मांगा तो है खुदा से कि खुदावंद मुझे ये शिफा चाहिए, ये चीज चाहिए, ये काम मेरा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बातिल ख्यालात भी मेरे जहन में आ जाते हैं कि शायद पता नहीं खुदा मेरी सुने या ना सुने। याद रखिए, बहुत से ऐसे हैं जो आज भी कब्रों में हैं, लेकिन एक कब्र आज भी खाली है जो यीशु मसीह की है, और वो अपने मांगने वालों के पुकार पर उनकी पुकार को सुनकर उसका जवाब देता है। खुदा ने कहा कि मांग तो मैं कौमे तेरी मेरास कर, वो तो आपके मांगने पर है कि मैं मांग किस तरह रहा हूं, मेरा ईमान क्या है। आज ये चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को कभी महसूस किया हो कि हाँ मैं होंठों से खुदा की ताजीम तो करता हूं लेकिन दिल मेरा खुदा से दूर है, तो आज वक्त है कि अपना दिल खुदा को दे। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक मुल्क का बादशाह था, वो हर रोज अपनी रियाया के दरमियान तहाइफ बांटा करता था। लोग आते तहाइफ लेकर चले जाते, लोग आते तहाइफ लेकर चले जाते। एक शख्स रोज लाइन में लगता लेकिन तोहफा नहीं लेता था। लोगों ने कहा तू कितना बेवकूफ शख्स है, बादशाह इतनी चीजें बांटता तू लेता क्यों नहीं? उसने कहा जिस दिन दिन आएगा मैं जरूर लूंगा। एक दिन वो लाइन में फिर दोबारा लगा, जब उसकी बारी आई तो उसने जाकर वो बादशाह के बगल गिर हो गया। सिपाही और वज़रा वो सारे आगे कि ये तूने हरकत क्या की है, तू बेवकूफ शख्स है। उसने कहा बेवकूफ मैं नहीं हूं, बेवकूफ ये सारे हैं, ये अपनी जरूरतों के लिए आते हैं, आकर लेकर चले जाते हैं। मैंने तो उसको गले लगा लिया जो ये सब चीजें देने की कुदरत रखता है। याद रखें, जब आप शाफी को गले लगा लेंगे, शिफा आपकी है, बरकत आपकी है, सरफराजी आपकी है, ज़रूरत है उस शाफी को गले लगाने की। आज सिर्फ हम ढूंढते हैं कि शिफा किधर है, बस हमें शिफा मिल जाए। याद रखिए, आप शाफी को ढूंढें, शाफी मिल गया तो शिफा ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, लेकिन ईमान के साथ। मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? क्योंकि उसमें ईमान उस तौर पर नहीं। मैं ये अक्सर अपने चर्च में, ये जहां पर भी कलाम मैं सुनाता हूं या जहां पर मैं टीचिंग्स करता हूं, मैं एक बात करता हूं कि ईमान ईमानदार की खूबी है। एक मसीही, याद रखें, अक्सर हम लोग समझते हैं कि जी हमने बाइबल उठा ली है, गले में सलीब पहन ली है, तो अब हम मसीही बन गए हैं। याद रखें, जब तक आपके दिल में मसीह नहीं है, जबकि आपके अंदर मसीह नहीं है, तो आप बरकतों से महरूम हैं। आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, ये सारी बेफायदा हैं। लेकिन जब आप मसीह में हैं, मसीह आपके अंदर है। मैं कई दफ़ा सवाल करता हूँ कि जी क्या आपने मसीह को कबूल किया? लोग कहते हैं हाँ जी किया। मैं कह जी इस बात की श्योरिटी है कि मसीह ने भी आपको कबूल किया? थोड़े जे परेशान हो जंदन है। हमें ये देखना है कि क्या हमारा रवैया ऐसा है कि मसीह ने भी मुझे कबूल किया है कि नहीं। वो तो हर वक्त बाहें फैलाए मेरे और आपके इंतज़ार में रहता है, ताकि वो हमें हर बरकत, हर शिफा, हर नेमत से भर सके। ये हम पर है कि हमारा रवैया क्या है। अगर आपने उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और प्रस्तिश नहीं की,
آج کی شام خدا سے عہد کر کے جائیں کہ جب تک میں زندوں کی زمین پر ہوں خداوند، میں تیری تمجید اور تیری پرستش تجھے جان کر اس بات پر ایمان رکھ کر کہ میری سانسوں کا خدا تو ہے، میری زندگی کا خدا تو ہے، میری روح کا خدا تو ہے، میرے بدن کا خدا تو ہے، تو پھر آپ کو شفا ڈھونڈنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا، شفا خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ سو آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ کمیاں مجھ میں رہی ہیں، تو آج کی شام خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرے۔ اگر صرف ہم نے ہونٹوں سے تعظیم کی ہے، اگر ہم نے صرف اس کی خدائی کو جان کر اس کی لائق طور پر ورشپ نہیں کی ہے، اگر ہم مسیح جیسے ایمان میں قائم نہیں رہے ہیں، اگر ہم مانگتے ہوئے دو دلے ہو جاتے ہیں، اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا، تو آج کی شام اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کریں۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، میں یہ ایمان سے بات کرتا ہوں کہ جب خدا کے خادم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ خود بخود اپنی برکت، اپنی شفا کو ریسیو کرتے جائیں گے۔ آئیے چلنا میں ہم سب دعا کریں۔ ہاللویا پریز ریکا با شن دولو رکو بو سین دے لے رے بے کارا ربا رب رکا شن دولو رکو بو سین دے لے رے بے بے پریز۔ میری بنتے شف قوم شفا کیوں نہیں پاتی ہے؟ آج ہم نے وجوہات کو دیکھا ہے۔ اختیار والا صرف ایک ہے، لیکن اس نے آپ کو بھی اختیار دیا ہے۔ کبھی اپنی بیماریوں کو، اپنے خدا کو یہ نہ کہے کہ خداوند مجھے بہت بڑی پرابلم ہے، بہت بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے، بلکہ اپنی پرابلمز کو، اپنی بیماریوں کو یہ کہیں کہ میرا خدا بہت بڑا ہے، اس کی مانند کوئی اور نہیں ہے۔ ہللویا رب رکھا شین دولو رو کو بو سان دالا ربا کبا ریبلا ربا کبا شین دولو رو۔ آئیے اس کی ہونٹوں سے تعظیم کرنا شروع کریں۔ جو آپ کی ہڈیوں کی تازگی ہے، جو آپ کی روح کی خوشحالی ہے، جس نے آپ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو صلیب پر قربان ہونے دیا، آپ قیمتی لوگ ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں کے اندر گرے رہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی ہر روز کی زندگی کے اندر تر و تازگی آ جائے۔ او رب سین دولو رکو بو شین دے لے رے بے بے